राधे राधे बंधु, जय श्री कृष्ण। बंधु, आज प्रबोधिनी एकादशी है, इसे हम देव उठनी हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो बंधुओं, प्रबोधिनी एकादशी का उपवास 6:04 से प्रारंभ हो रहा है। इसका पारण कल यानी द्वादशी को 6:05 से लेकर 9:44 तक होगा। तो बंधुओं, इसी समय के बीच अपना पारण अवश्य कर ले। बंधुओं, पारण करने से पूर्व आप ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा देना न भूले। यदि समय न मिल पाए तो दान दक्षिणा की सामग्री पारण करने से पूर्व निकाल दे, फिर उसे बाद में ब्राह्मण देवता को समर्पित कर दे। तो बंधुओं, आइए हम प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अच्छे पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वादल से, समीपत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग करते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो हरे कृष्ण बंधुओं, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। तो बंधु मेरे, चैनल को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर अवश्य करें। हरे कृष्णा।